अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जुनैद फ्रॉम जुनैद टेक। आज की इस वीडियो में हम टेक्नो स्पार्क 5 प्रो और ओप्पो A12 का स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की। तो इस मोबाइल में हमें 4GB की रैम देखने को मिलती है, 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और ओप्पो A12 में हमें 3GB की रैम देखने को मिलती है, 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। दोनों मोबाइल के बॉटम पर हमें माइक्रो USB 2.0 के चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक दिए गए हैं और यहाँ पर एक स्पीकर दिए गया है दोनों मोबाइल के बॉटम पर। और अगर दोनों मोबाइल के राइट साइड की बात की जाए तो ओप्पो A12 में हमें पावर बटन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो टॉप है वो खाली है दोनों मोबाइल्स की। और अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पर हमें ओप्पो A12 में हमें वॉल्यूम लॉकर कीज़ देखने को मिलते हैं और एक सिम ट्रे देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें सिम ट्रे दी गई है। और अगर रियर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है टेक्नो में, और एक LED फ्लैश दी गई है और फिंगरप्रिंट रियर पर लगाया गया है। यहाँ पर हमें ओप्पो A12 में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ में एक LED फ्लैश दी गई है और यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट दिया गया है। तो दोनों मोबाइल्स को मैं रीस्टार्ट कर देता हूं और देखते हैं कि पहले कौन सा मोबाइल स्टार्ट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों को मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओप्पो A12 पहले स्टार्ट हुआ है और अब टेक्नो भी स्टार्ट हो गया है। और अगर आप इसी तरह की स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस, गेमिंग टेस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मोबाइल एक ही वक्त पर स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे पहले तो रीसेंट टास्क यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी रीसेंट टास्क नहीं है तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस मैंने रखी हैं, आज इन एप्लीकेशंस को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा मोबाइल फास्ट है। तो आज मुकाबला काफ़ी सख्त होने वाला है क्योंकि इसमें हमें 3GB की रैम देखने को मिलती है और टेक्नो में हमें 4GB की रैम दी गई है। तो सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर टेक्नो आगे है तो यहाँ पर अबाउट फ़ोन भी देख लेते हैं। तो टेक्नो में हमें एंड्रॉयड 10 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है और अगर इस मोबाइल की बात करें तो इस मोबाइल में हमें एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्रोम, तो यहाँ पर A12 आगे है। इसके बाद प्ले स्टोर, यहाँ पर दोनों सेम हैं। इसके बाद यूट्यूब, तो यहाँ पर टेक्नो आगे है। इसके बाद दराज, तो यहाँ पर भी टेक्नो आगे है। इसके बाद ज़ेपिया, तो यहाँ पर ओप्पो आगे है। इसके बाद कैमरा, यहाँ पर टेक्नो आगे है। इसके बाद टिकटॉक, तो यहाँ पर टेक्नो आगे है। इसके बाद स्नैपचैट, यहाँ पर दोनों सेम हैं। इसके बाद MX प्लेयर, तो यहाँ पर ओप्पो आगे है। इसके बाद इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर टेक्नो आगे है। इसके बाद फोटोशॉप एक्सप्रेस, तो यहाँ पर दोनों सेम हैं। इसके बाद लाइटरूम, तो यहाँ पर भी दोनों सेम हैं। इसके बाद स्नैपसीड, तो यहाँ पर भी दोनों सेम हैं। इसके बाद साउंड क्लाउड, तो यहाँ पर भी दोनों सेम हैं। तो आज की वीडियो के रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो मोबाइल आगे है वो यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ओप्पो ने भी अच्छी कोशिश की है और दोनों तकरीबन सेम रहे हैं और टेक्नो ने भी अच्छी कोशिश की है सेम रहने की। लेकिन आज आप लोगों ने बताना है कि आज की वीडियो का विनर कौन है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।